रहमान रह स्टूडेंट्स माय नेम इज मोहम्मद आकेब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश हैं चलते हैं बोर्ड की तरफ सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेरी लेक्चर हमने सोलर सिस्टम को स्टार्ट किया था और उसको हमने पढ़ना शुरू किया था यस इट वॉज अ वेरी लेंथी लेक्चर बट मैं उस लेक्चर में भी, भी आपको मैंने बताया था कि अगर ये लेक्चर सिक्स आवर्स का होता टेन आवर्स का भी होता तो वी वुडंट हैव स्टॉप्ड कवरिंग द एंटायर टॉपिक अगर मैं उसकी सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ाता मैं डेप्थ में भी ना जाता ये इतना वास्ट इतना मैग्निफिसेंट किस्म का टॉपिक है नाउ आज हम इसी चैप्टर को मजीद कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे सो so, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर वी स्टडीड मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे रहा हूं कि कैसे डे एंड नाइट होती है कैसे हमारे अर्थ के ऊपर फोर सीजन चारों सीजन जो है वो अकर करते हैं जैसे विंटर्स समर्स ऑटम एंड स्प्रिंग ये कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस क्या है मैं उसको एक दफा बस सिर्फ थोड़े से टाइम के अंदर आपको रिवाइज करवा दूं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट वी आर गोइंग टू कवर टूडे लास्ट लेक्चर के अंदर राइट right ना मैं ये रेड मार्कर को सन कहता हूं ब्लू मार्कर को अर्थ ना अर्थ आपको याद है इट्स टिलटेड एट ट्वेंटी थ्री डिग्रीज अर्थ कितनी डिग्रीज के ऊपर टिल्ट कर रहा है ट्वेंटी थ्री डिग्रीज के ऊपर न एक चीज अब नोट करिएगा देड ऑफ दिस मार्कर इज द नॉर्थ पोल वेर आज द बॉटम ऑफ दिस मॉक इज द साउथ पोल ऑफ योर अर्थ यह अर्थ का नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है दिन और रात कैसे होते हैं एक तो अर्थ जो है वो खुद रोटेट कर रहा है इट्स रोटेटिंग दूसरा वह एक ऑर्बिट के ऊपर सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है अब ये जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है इट टेक्स थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज और इसकी जो रोटेशन है अपने एक्सेस के ऊपर दैट्स कवर्ड इन 24 फोर आवर्स दैट इज वाई आपका एक दिन जो होता है दैट इज ऑफ 24 फोर आवर्स यानी अब मैं इसको टिल्ट कर देता हूं सो so दैट ये जो हेड ऑफ द मार्कर है जहां पे ब्लू टिप है ये आप है अर्थ पे अब क्या होता है ये सन है अब लेट से जब आप फेस कर रहे होंगे सन को तो क्या होगा यस yes, दिन होगा Be Now, जैसे जैसे आप घूमते जा रहे हैं चूंकि रोटेट कर रात अब अगर तो ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर वो अपनी कंप्लीट रोटेशन पूरी कर रहा था तो इसका मतलब है 12 के बाद क्या हो गया आपकी तरफ रात हो गई है ना अगेन वेन यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सन आपका ट्वेंटी फोर आवर्स कंप्लीट हुए और वापिस देना क्या Now, इसी तरह से जो सीजन है चूंके अर्थ है थीके? वो इस तरह से करके मूव करता है अब आप ये जरा मूवमेंट देखिएगा ये अर्थ है टिल्टेड है ठीक है अब आप लेट से मैं कहता हूं कि आप यहां पे हैं इधर हैं इसके मिड पे तो इसका मतलब ये है कि आप सन से करीब हो गए हैं दैट इज वाई समर्स हैं जैसे कि अभी अभी हम इस वक्त यहां पे हैं और हम आहिस्ता 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 इन 365 हंड्रेड डेज के हाफ पीरियड के अंदर सन से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे वाई बिकॉज वी हैव टिल्टेड हम टिल्टेड हैं अब यहां पे क्या होता है यहां पे अब आप खुद नोट करें खुद समझने की कोशिश करें इस बेसिकली सिंपल लॉजिक ये लॉजिक है चूंकि अब आप सन से दूर हो गए हैं अब यहां पे क्या आ गया पाकिस्तान में सर्दियां आ गई अब जितने एरियाज हैं जो सन से जितना ज्यादा दूर होंगे उधर उतना मौसम ठंडा होगा वहां पे उतनी सर्दी होगी यहां पे एक फैक्ट मैं आपको एक बताता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फैक्ट है ये डू यू नो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे समर्स एंड विंटर्स कैन प्रोलॉन्ग इवन डेज कैन प्रोलॉन्ग टिल सिक्स मंथ्स यानी कि छे महीने साल के अंदर वहां पे सूरज ही होगा छ महीने साल के अंदर वहां पे रात ही होगी टेक लॉट ऑफ टाइम कहीं पे तो तीन तीन माह तीन तीन माह वहां पे दिन होता है तीन तीन माह वहां पे रात होती है क्यों क्योंकि ये टिल्टेड है अब क्या होता है चूंकि वो अर्थ दूर है ये नॉर्थ पोल आपका दूर हो गया है सन से और उसने तो दूर रहना है सो बाय द टाइम आधा साल कवर होगा तब जाके वहां पर रोशनी आना शुरू होगी राइट एट द टिप ऑफ द नॉर्थ पोल जहां पर वेदर कैन गो अपू माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वहां पर इतना इतना खतरनाक किस्म का टेम्परेचर होता है कि नो ह्यूमन कैन सरवाइव इन देशर इसीलिए मोस्ट ऑफ द नॉर्थ पोल इज एक्चुअली फ्रोजन आइस कैप आइस कैप से मुराद यह कि बर्फ ही जमी रहती है थ्रू आउट द ईयर इसी तरह से ऑन द साउथ पोल थ्रू आउट द ईयर बर्फ ही रहती है एक्सप्लोरेशन हुई है वहां पर साइंटिस्ट यूज टू गो एंड लिव दैट इज हाउ द डिस्कवर्ड के नॉर्थ पोल पे हम दुनिया के बाकी किसी हिस्से पर होते चौबीस तो घंटे का दिन है यहां पर तो सूरज ही नहीं निकल रहा आफ्टर केयरफुल कैलकुलेशन बिकॉज दैट इज हाउ दू फाइंड आउट कि अर्थ एक एक्सिस पे टिलेड है तभी आधा साल चूंकि नॉर्थ पोल सन से दूर रहता है दैट इज वाई वहां पे एग्जैक्टली exactly सर्दी ज्यादा पड़ती है और रात रहती है अब सूरज ना निकलने की एक और वजह भी ये होती है चूंकि मौसम वहां पे हमेशा ही खराब होता है तो बादलों ने भी अक्सर कवर किया होता है जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल से थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे आपका दिन वापस तीन माह तक आ जाएगा रातें आपकी वापस तीन माह तक आ जाएंगी Now, ऐसे जैसे जैसे आप उसकी टिप के ऊपर आ जाते हैं जहां पर खत्म हो रहा है नॉर्थ पोल वहां पर फिर नॉर्मलाइज होना शुरू होता है बट द टेम्परेचर आर स्टिल इन माइनस वहां पर यू विल नॉट बी एबल टू सी ग्रीनरी वहां पर पौधे नहीं उगते हैं साइंटिस्ट ने यह जरा रिसर्च करिएगा कि नॉर्थ पोल एट माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एक कहने को लिविंग ऑर्गेनिजम को डिस्कवर किया इट वॉज अ वायरस एक वायरस था जो कि माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव कर रहा था बट रिमेंबर वायरस इज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग उसको कहते हैं कि ये जिंदा भी है और इसको हम मरावा भी कह सकते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। अगेन अल्लाह की एक कुदरत है जो कि हमने जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं रिसर्च करते जा रहे हैं वी आर एबल टू डिस्कवर मोर एंड मोर अबाउट ऑल ऑफ दीज फैसिनेटिंग फैक्ट्स

आज का हमारा टॉपिक है वी स्टार्टिंग ऑफ विद द मून नाउ मून इज अर्थ सैटेलाइट व्हाई डू वी कॉल इट अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज ये अर्थ के इर्द गिर्द ना जिससे सन के इर्द गिर्द अर्थ रोटेट कर रहा है एक एक्सेस के ऊपर इसी तरह से मून की एक अपनी रोटेशन भी है वो खुद भी घूम रहा होता है और वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट भी कर रहा होता है अब वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट क्यों कर रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इसी तरह से मून की अपनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन कंपेयर टू अर्थ इट्स वेरी लेस एग्जैक्टली ये हमने इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्थ के ऊपर छलांग लगाएंगे तो यू विल हार्डली बी एबल टू लिफ्ट यूर सेल्फ थ्री फीट और टू फीट अंधे मगर मून पे अगर आप छलांग लगाएंगे तो आप तो सीधा 20-25 फुट की छलांग मार देंगे लेकिन वापस बहुत आराम आराम से आ रहे होंगे दैट्स द रीजन द रीजन बिहाइंड दैट इज बेसिकली कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर कंपेयर टू द मून इसलिए मून अर्थ के इर्द गिर्द उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट कर घूम भी रहा है Now, इसके अलावा दोबारा बोर्ड की तरफ जरा देखिएगा एज अ सेट इट ऑर्बिट्स द अर्थ द ओनली पार्ट ऑफ आर यूनिवर्स विजिटेड बाई ह्यूम द मोस्ट फैसिनेटिंग फैक्ट अगेन ये चैप्टर बड़ा मजे का इसी वजह से है कि आपको इसके अंदर सोच सोच के भी हैरानगी होगी एज ए फैक्ट ह्यूमन एक्चुअली ओनली हैव स्टेप्ड ऑन मून हम मूवीज़ में तो देखते हैं कि मार्स के ऊपर चले गए हैं देर ऑल जस्ट मूवीज वो मूवीज के अंदर हुआ है इंसान ने सिर्फ जो कदम रखा है अर्थ के अलावा दैट वॉज ऑन मून इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर जब आप मजीद इसको पढ़ते भी जाएंगे you'll see कि कितने टेलीस्कोप्स एंड प्रोब्स और कितनी सैटेलाइट्स नासा ने, स्पेस सेंटर्स ने फिर चाइनीज स्पेस सेंटर्स ने कितनी सैटेलाइट्स कंबाइन ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्वाइंट वेंचर्स के ऊपर कितनी एक्सप्लोरेशन के लिए सैटेलाइट्स भेजी प्रोब्स भेजे वाई इन ऑर्डर टू स्टडी वट लाइज इन अ सोलर सिस्टम और इनकी मैक्सिमम पहुंच कहां तक हो सकी नेयर प्लूटो टैक्स इट। देर इज नो प्रोब देर इज नो सैटेलाइट देर इज नो स्पेस क्राफ्ट दैट एवर वेंट बियॉन्ड दिस पॉइंट रीजन क्या है कि लेट्स अगर तो 1950 के अंदर जुपिटर या और उससे आगे सैटम के लिए छोड़ा जाए तो उसको 25-20 साल लगेंगे पहुंचने में एग्जैक्टली exactly. डिस्टेंसेज कवर करने में उम्र लग जाती है एजेस लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको फनी से एग्जांपल देता हूं मैं मैं आज बैठता हूं नासा के अंदर जाके उनके स्पेस सेंटर के अंदर जाके नोन एज द कैनेडी स्पेस सेंटर मैं उधर जाके बैठ जाता हूं क्या करता हूं मैं एक साल लगा के बड़ी मेहनत करके मैं एक प्रोप तैयार करता हूं कि आई वॉन्ट टू सेंड इट टू द जुपिटर अब बाय द टाइम जब तक वो जुपिटर तक पहुंचेगा तो मेरी ये जो दाढ़ी है ये सफ़ेद हो हो चुकी होगी। हो सकता है मैं अब मुझे तस्वीरें भेजेगा अब मुझे बताएगा जुपिटर पर क्या क्या हो रहा है बट देर आर ऑलरेडी प्रोब प्रेजेंट ओवर विच आर सेंडिंग फोटोग्राफ्स विच आर सेंडिंग सिग्नल्स जिसकी बेस पे कैलकुलेशंस के बाद उसके ऊपर क्या-क्या एक्टिविटीज हो रही हैं जुपिटर किस चीज का बना है जुपिटर के जो मूनस हैं उनको स्टडी किया जा रहा है एज एज ऑफ नाउ ये आर टॉकिंग करंटली हर 24 घंटे के बाद कोई ना कोई इमेज हमें रिसीव जरूर होता है ना बिफोर आई अगेन कंटिन्यू विद दिस मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको एक बात करूंगा कि लेक्चर जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपको इसी चैप्टर के हवाले हाँ से एक बड़े खौफनाक किस्म के फैक्ट के साथ आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगा खौफनाक किस लिए कह रहा हूं बिकॉज इट विल ट्रूली सेंड शिवस डाउन योर स्पाइन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सोच के कि ये यूनिवर्स क्या चीज है बैक टू बोर्ड आई होप ज्यादा डर ना गए हूं <laughs> ओके okay. द मून रोटेट्स वंस ओनली एज इट कंप्लीट्स द वन ऑर्बिट अराउंड एग्जैक्टली बड़ी सही गलती पकड़ी है दैट एक्चुअली ऑल्सो फैसिनेट्स मी की यूर लिसनिंग टू द लेक्चर इज वेल यहां पर क्या होना चाहिए था एग्जैक्टली अर्थ सो मून के बारे में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं तो मून जो है वो किसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होगा अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है ठीक है उसका ऑर्बिट किसके इर्द इर्द गिर्द गिर्द है के है अर्थ के एग्जैक्टली सो गेटिंग वेरी गुड इन दिस चैप्टर अच्छा आगे चलते हैं द मून हैज अ रॉकी एंड क्रेटर्ड सर्फेस इसका मतलब क्या है इट्स बेसिकली सॉलिड बॉडी बिल्कुल सॉलिड है ये और इसके ऊपर क्रेटर्स है क्रेटर्स क्या होते हैं मैं आपको एक चीज एक मिसाल यहां पे देता हूं लेट्स से ये एक सरफेस है और आपको एकदम वहां पे बहुत ही डीप क्रेटर मिलता है ये क्रेटर किस वजह से बना जब म्यूटोराइट या छोटे बहुत ही छोटे छोटे एस्ट्रोराइट ने हिट किया था मून को चूंकि मून की एक एटमोस्फेयर नहीं है हमारी तो एटमोसफेयर है जो हमें प्रोटेक्ट भी करती है

और अर्थ के तो वो जैसे करीब आएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की अपनी ग्रेविटी उसकी स्पीड और एनहांस कर देगी और बढ़ा देगी इट विल टेक इट टू अ वेरी अटेस हाई स्पीड अब क्या होगा जब वो आके हिट करता है अब अगर हिट करने से पहले क्या होता है वो अर्थ की एटमोस्फेयर में से गुजरता है वो जैसे गुजरता है तो क्या अब उसको रोकने से रोकना शुरू करती है एयर स्पेस में तो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली लेकिन जैसी वो अर्थ की एटमोस्फेयर के अंदर एंटर हुआ स्टार्टेड टू रेजिस्ट रेजिस्टेट एयर एयर से क्या होता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन पैदा पैदा हो गई अब पैदा होती है तो उस हीट की वजह से अगर तो लेट से मिट्योराइट का साइज इतना है और वो अगर तो एटमोस्फेयर से क्रॉस करेगा तो माइक्रोस्कोपिक साइजेस रह जाएंगे उसके छोटे छोटे से इस तरह से मिट्योराइट जो शावर होते हैं इसीलिए क्या होता है कि लेट से इतना बड़ा मिट्योराइट अर्थ की तरफ आ रहा था बाई द टाइम वो जमीन पर गिरा तो इतना, सर है क्या। इतना सा रह गया इतना छोटा सा पीस रह गया अब साइंटिस्ट उसको जाके उठाते हैं एंड इट बिकम्स अ वेरी वैल्यूबल रॉक दोन गो इन टू मिलियन ऑफ डॉलर अगर तो इसकी बिडिंग हो इसको बेचना शुरू करे तो यह इतने वैल्यूबल रॉक्स होते हैं वाई बिकॉज इट केम डायरेक्टली फ्रॉम आउट स्पेस और यह पत्थर चूंकि अर्थ में पाया ही नहीं जाता कहीं इससे बड़े खास पत्थर है आम श्योर कि आज से आप लोगों ने क्या करना है आपने आज रात से सारी रात देखते रहना कि कहीं मिट्योराइट तो नहीं कहीं आ रहा मैंने वो पत्थर जरूर उठाना बट ट्रस्ट मीट दिस है नॉर्थ पोल एर इन द साउथ पोल वहां पर ज्यादा मिट्योराइट गिरते हैं बट know when you you can get lucky and you see a meteorite shower with your own naked eye now back to the board so the craters caused by meteorites सम क्रेटर्स बेसिकली आर इवन हंड्रेड किलोमीटर्स ये जो मून है इसके ऊपर अब जो क्रेटर्स है बेसिकली इनकी डेप्थ कितनी हो सकती है हंड्रेड किलोमीटर्स भी डीप हो सकते हैं एंड इनका जो फासला है जो क्रेटर्स फॉर्म होते हैं म्यूटोराइट की वजह से अब वापस आते हैं उसी टॉपिक पर अर्थ के ऊपर तो उसकी एटमोस्फेयर ने उसको बचा लिया बट मून के ऊपर वेन यूर ऑन द मून चूंकि उसकी कोई एटमोसफेयर नहीं उसको कोई बचाने वाली कोई चीज नहीं है तो आया मिट्टोराइट ने हिट किया क्रेटर फॉर्म हो गया अब वो क्रेटर क्या होता है एक बड़ा सारा एक वहां पे एक होल बन जाता है ना दिस होल यानी कि अगर आप पॉइंट ए से उस होल के पॉइंट बी तक जाना चाहिए यानी कि उसके आखिर तक तो ये डिस्टेंस कितना को हो सकता है हंड्रेड किलोमीटर्स या इससे ज्यादा भी समाइम्स लेट्स से अगर आपके पास एक नॉर्मल टेलीस्कोप है और आपके पास एक अच्छा लेट्स एक टेलीस्कोप है और अगर आप मून के ऊपर जूम इन करके देखें तो आपके ऊपर उसके वाजे क्रेटर्स नजर आ रहे होंगे विच आर कॉस्ड बाय एग्जैक्टली न्यूटराइट ना लेट्स मूव टू द सेकेंड बोर्ड सो अब वील we'll स्टडी ये जो लूनर इक्लिप्स होता है और सोलर इक्लिप्स होता है स्टार्टिंग ऑफ विथ सोलर इक्लिप्स क्लोजली एट एनिमेशन राइट नाव जो कि इस वक्त मेरे लेफ्ट के ऊपर चल रही है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एग्जैक्टली सन अर्थ एंड मून दीज आर द्री बॉडीज इन्वॉल्व इन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर इक्लिप्स अब याद रखने के लिए कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है याद रखिएगा वेन आई टर्म अटैच सोलर इक्लिप्स इसका मतलब यह है सन का छुप जाना सूरज का छुप जाना लूनर इक्लिप्स क्या है चांद का छुप जाना सो नाउ गेटिंग बैक सोलर इक्लिप्स एनिमेशन अब आप क्या देख रहे हैं कि सन जो है वो तो अपनी जगह के ऊपर है लेकिन अर्थ और मून दोनों चूंके ऑर्बिट कर रहे हैं सन को और मून क्या कर रहा है ऑर्बिट अर्थ को क्या होता है कि देर इज अ टाइम इन अयर और आफ्टर इयर्स वो इसलिए क्योंकि मून भी एक एक्सिस पे टिल्टेड है जैसे कि आप देख रहे हैं एनिमेशन में मून भी एक एक्सिस पे टिल्टेड है इसलिए हर महीने तो यह यह आ नहीं सकता यह साल में एक बार आ सकता है या सालों में एक बार आ सकता है इसलिए यह फ्रीक्वेंट नहीं होता इसी के हवाले से मैं आपको आपके साथ अभी मेरे एनिमेशन चल रही है उसको भी देखते रहे और मेरी एक मैं आपको एक बड़ा फैसिनेटिंग एक फैक्ट बताता हूं जो कि मैंने आपकी किताब से ही उठाया है चाइना में 2134 बिफोर क्राइस्ट बीसी के अंदर ये पहला सोलर इक्लिप्स जब हुआ था तो वो डर गए थे घबरा गए थे कि कि शायद ड्रैगन्स ने हमारे सूरज सूरज खा लिया सो so, उन्होंने क्या किया सूरज की तरफ जो डार्क हो गया हुआ था उसकी तरफ तीर चलाना शुरू कर दिए और ड्रम्स बनाना शुरू कर दिए बजाय ताकि ये ड्रैगन्स भाग जाए सो देवर मेथ्स देवर लॉट ऑफ मेथ्स और उस वक्त लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते थे कि ये क्या हो गया दुनिया खत्म होने लगी है जैसे इमेजिन आज मैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाता आपको पता ही नहीं है सोलर इक्लिप्स क्या होता है पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता एक पॉइंट ऑफ डे के अंदर क्या होता है अब आप जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं चांद सूरज के एन एग्जैक्ट और अर्थ के साथ दरमियान में अलाइन हो गया है अब क्या होता है चूंके मून छोटा है जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं अर्थ से इसकी एक बड़े खास स्पॉट के ऊपर आपके सामने सोलर इक्लिप्स होता है इसलिए पूरी दुनिया में सोलर इक्लिप्स नहीं देखा जाता बिकॉज ये एक बड़े खास स्पॉट पे हो रहा है जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं अब वहां पे क्या होता है चूंकि चांद जो है वो जैसे सूरज के आगे आया है ठीक है वहां पे सन एक शेडो के अंदर चला गया सूरज के आगे बकायदा बहुत ही खूबसूरती से वो चांद कवर करना शुरू कर रहा है उसको अब आप ये एक और एनिमेशन देख रहे हैं कि किस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे चांद कवर कर रहा है सूरज की रोशनी को ये एक बहुत स्पीड पे चल रही है बट इट इट टेक्स टाइम कैन टेक टू टू कवर द एंटायर सन इट्स नॉट लाइक चांद तो इतनी छोटी सी एक चीज है लेकिन ये जो डिस्टेंसेज हैं इसकी वजह से होता है अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से चांद कवर कर रहा है सूरज की रोशनी को इमेजिन नाउ हम सब खबजा हो जाते कि हमारा सूरज किधर चला गया ये इसको किसने खा लिया ये कैसे खत्म हो गया बट साइंस एंड आर रिलीजन बेसिकली क्लियर डर कॉन्सेप्ट डेवेलपड आर कॉन्सेप्ट ये बेसिकली एंटायरली हो क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर इसी तरह से कुछ मिनटों के बाद वो चांद वहां से हट जाता है एंड यू गेट बैक टू योर नॉर्मल डे रूटीन आपका दिन वापस का वापस और सूरज वैसे का वैसे ही चूंकि वो तो अपनी जगह से हिला नहीं वहां पे वापस अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर आपको नजर आने लग जाता है Now, इसी तरह से लुक एट द सेकेंड एनिमेशन विच इज ऑफ लूनर इक्लिप्स अब इसमें क्या होता है अर्थ सूरज के सामने आता है और चांद बेसिकली अर्थ के शेडो के पीछे छुप जाता है इससे क्या होता है कि चांद जो कि सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर हमें रोशन होकर नजर आता है इसी तरह से चांद की वो रोशनी अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से एनिमेशन के अंदर डिम होती 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 ब्लैक हो गई बिल्कुल इट कम बिकम्स नाइट जहां जहां पे दे, ये जो एनिमेशन में भी, भी आप देख रहे हैं ये वो एनिमेशन जहां पे बिल्कुल आसमान जो था वो क्लियर था वो नो क्लाउड तभी जाकर ये नजर आया बड़ी क्लियरली कि कैसे एक खूबसूरती के साथ पूरा का पूरा आपका चांद कवर होता है और आहिस्ता आिस्ता फिर दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर नजर भी आना शुरू होता है सो दिस इज बेसिकली लूनर इक्लिप्स ये लूनर इक्लिप्स है जिसमें चांद छुप जाता है अर्थ के पीछे और इसी तरह से सोलर इक्लिप्स क्या है कि सन बेसिकली वो तो अपनी जगह पे रहता है लेकिन वो चूंकि बहुत बड़ा है पूरी दुनिया में नजर नहीं आता लूनर इक्लिप्स की विजिबिलिटी बहुत सारे इलाकों में होती है वेरा सोलर इक्लिप्स की विजिबिलिटी बहुत ही मखसूस इलाकों में होती है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स ना अब मैं आपको कुछ अद और फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताता हूं अबाउट स्पेस नॉर्थ पोल के अंदर साइंटिस्ट ने जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा रहा था और आपको बता रहा था कि नॉर्थ पोल के अंदर साइंटिस्ट जाके रहते हैं और वहां पे जाके एक खास टाइम आता है जब आसमान बिल्कुल क्लियर हो न सी मिलियन ऑफ स्टार्स इन दूनिवर्स इतने स्टार नजर आते हैं इतने क्लियरली नजर आ रहे होते हैं और इतना खूबसूरत लग रहा होता है उस वो। अब उन्होंने क्या किया उन्होंने एक हाई स्पीड कैमरा हाई स्पीड कैमरे से मुराद ये है कि वो हर सेकंड के अंदर पिक्चर्स खेच रहा होता है जैसे हर सेकेंड के अंदर फोर्टी टू फिफ्टी पिक्चर्स खेचता है वो उसी हाई स्पीड कैमरा से उन्होंने पूरे चौबीस घंटे के अंदर वहां पर तस्वीरें ली तो अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि ये सामने रिजल्ट आया कि नॉर्थ पोल पे कि स्टार्स तो ऐसे ऐसे करके घूम रहे गोल गोल ऐसे ही लग रहा है एग्जैक्टली exactly. ये तो स्टार्स ऐसे घूम रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थ भी तो घूम रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि स्टार्स ना घूम रहे हो और अर्थ घूम रहा हो और इन साइंटिस्ट को लगा हो कि जी नहीं ये स्टार्स नहीं घूम रहे तो अर्थ घूम रहा है बट रिमेंबर ना ये इसलिए नॉर्थ पोल के ऊपर चूके योर राइट एट द टॉप वहां पे आपको अर्थ की रोटेशन इफेक्ट नहीं करती वहां पे अर्थ आपके लिए नहीं घूम रहा वहां पे तो छह महीने के बाद जाके आप समझे आपके लिए घूमेगा सो इट्स स्टिल ओवर इसलिए कहते हैं कि स्टिल है ये नहीं कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा मूव कर रहा है तभी तो वहां पर और रात होती है छ माह बाद अदरवाइज वो तो वही ना हो वहां पर तो थ्रू आउट द ईयर दे नहीं रहे या तो वो वहां पर तो थ्रू आउट द ईयर रात ही रहे अब हम लास्ट टॉपिक के अंदर जो कवर करने जा रहे हैं बेसिकली उसके अंदर हम आ, आप किताब से खुद इसको पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज एंड किस तरह से स्टडी किया स्पेस को जैसे ग्लीलियो का टेलीस्कोप द हबल टेलीस्कोप जो कि स्पेस के अंदर है अच्छा वो ये वो टेलीस्कोप है जो स्पेस के अंदर इट्स नॉट ऑन अर्थ वो स्पेस के अंदर से कैसे पिक्चर्स खींचता है और अर्थ की तरफ भेजता है और इसके अलावा सिर्फ पिक्चर्स से ही नहीं ये काम चलता रिमेंबर दैट देर आर सिग्नल सेंट इन टू द स्पेस कि वो सिग्नल्स हिट अप करेंगे कितनी देर लगी उनको वहां से डिस्टेंसेस कैलकुलेट होते हैं और साइंटिस्ट टेक इयर्स एंड इयर्स टू सॉल्व दीज कि कितना डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट अर्थ से कितना दूर है दीज आर वेरी फैसिनेटिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अलावा अब जो लास्ट टॉपिक है दैट कवर्स इट्स चार्ट जैसे कि मैं आपसे हमेशा एक चार्ट बनवाता हूं आपने इसको पढ़ना है समझने की कोशिश करनी है याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको शौक है जरूर याद करें इसको कि किस साल के अंदर जैसे 1966 के अंदर जुपिटर के ऊपर कॉन्सेप्ट भेजा गया था जिसने अब जाके जो तस्वीरें भेजना शुरू की फिर किस साल के अंदर कौन कौन से प्रोब्स किस किस प्लैनेट के लिए भेजे गए और उन्होंने हमें क्या क्या फीडबैक दिया इसी तरह से मार्स की तरफ बहुत सारे प्रोब्स को भेजा जा चुका है कुछ प्रोब्स इस मिशन से गए थे कि वो वहां पर जाके ये नोट करे कि आइदर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑन मार्स इज इट फीजिबल और नॉट कुछ प्रोब्स ने ये भी डिस्कवर किया कि मार्स पे पहले वहां पे उनको वो निशानात मिले जिसे यह पता लगा कि पानी होता था यानी कि मार्स लाइफ सपोर्ट कर सकता था बट अगेन टेम्परेचर इज अ बिग टाइम हर्डल स्टेप सो इट्स स्टिल बींग एक्सप्लोर्ड इसके साथ साथ मैं आपको अपार्ट फ्रॉम द बुक स्पेस एक्स प्रोग्राम के वाले से भी बताऊंगा कि आपने उसको भी पढ़ना है इलान मास बेसिकली आफ्टर अ लॉट ऑफ फेल्ड फील्ड क्रिएटेड इज ओन वेरी स्पेस क्राफ्ट

एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन लाइफ ना जैसा कि मैंने लेक्चर को शुरू करने से पहले और यह सारा आपको बताने से पहले आपको बताया था कि मैं लेक्चर खत्म करने से पहले आपको एक बड़े खौफनाक किस्म के फैक्ट के साथ आज तारुफ करवाऊंगा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमने स्पेस के बारे में तो पढ़ा थोड़ा सा किताब से हट के मैं चाह रहा था कि मैं आपको यह भी इंफॉर्मेशन दू इसके अंदर सो दैट यू नू मोर आपको ज्यादा मालूम हो फ्रॉम द बुक जैसे कि नाउ स्पेस के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर क्या किया कि देर इज स्पेस एक जगह है हमारे यूनिवर्स के अंदर जहां पे स्टार्स नजर नहीं आ रहे हालांकि और उसके इर्द गिर्द बड़ी स्ट्रीम लाइन के अंदर राउंड दायरे में है लेकिन उस खाली जगह पे स्टार्स नहीं है ये क्या जगह है ये क्या माजरा है ये तो एक मिस्ट्री है उन्होंने फिर इसको मजीद स्टडी करना शुरू किया कि ये जो खाली स्पॉट है ये क्या स्पॉट है जहां पे उसके इर्द गिर्द बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से स्टार्स प्रेजेंट हैं उनको नजर आ रहे लेकिन वहां पे नजर नहीं आ रहे सो दे कॉल्ड इट अ ब्लैक होल ब्लैक होल क्या होता है बेसिकली स्पेस के अंदर ये वो जगह है जहां पे बेसिकली कोई स्टार अगर फट जाए खत्म हो जाए तो उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है तो इट क्रिएट्स अ ब्लैक होल जिसको साइंटिस्ट आज भी स्टडी कर रहे हैं डोंट हैव फिक्स थ्योरीज टू एक्चुअली टेल यू के ब्लैक होल क्या है बट अब समझने की बात यह है कि यह खौफनाक मैंने क्यों कहा था कि ब्लैक होल की बेसिकली जो ग्रेविटी है वो किसी भी स्टार किसी भी प्लैनेट से ज्यादा होती है कोई भी स्टार इसके करीब से गुजरेगा तो वो उसको अपने पास खेच लेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा वो स्टार ही गायब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार खत्म होता जाएगा यानी कि एकदम होगा इट विल टेक टाइम बट वो स्टार खत्म गायब यूनिवर्स से गायब हो गया वो कहा गया इटवेंटेड टू द ब्लैक होल इसी तरह से ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी कि इंटेंस है कि वो लाइट तक को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेती है यानी कि रोशनी तक को बाहर नहीं निकलने देता इतनी कंटेंस ग्रेविटी है इस पे बहुत ज्यादा मूवीज भी बनी बट दे आर जस्ट मूवीज दे आर नॉट फैक्ट्स फैक्ट्स तो अभी स्टडी किए जा रहे हैं साइंटिस्ट एज ऑफ नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू हैव नाउ डिवाइज्ड अ थ्योरी कि हम कितने टेलीस्कोप्स अर्थ पे लगाएंगे जिसके बाद उनको कलेक्टिवली जॉइन करके हम एक सिग्नल भेज सकेंगे टुवर्ड्स ब्लैक होल सो दैट वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अभी जो जो आप पिक्चर्स देखते हैं ब्लैक होल की जो डायग्राम्स देखते हैं जो आप वीडियोस देखते हैं ब्लैक होल की जो मूवीज में देखते हैं ब्लैक होल इज नॉट लाइक दैट एट ऑल उसकी कोई तस्वीर आज तक नहीं ली गई दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द ब्लैक होल सो यस हमारी स्पेस के अंदर इतनी खौफनाक चीजें भी हैं एस्ट्रॉइड्स के साथ साथ जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सो दे थिंग्स लाइक दिस टू इन द स्पेस खुदा ना खास था कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास से भी गुजरा तो हमारा सोलर सिस्टम ही पूरा का पूरा अपने साथ ले जाएगा एंड दैट्स द एंड ऑफ एंटायर लाइफ इफ देव लाइफ अपार्ट फ्रॉम अर्थ गोस एवरीथिंग कम्स टू एन एंड दैट्स ऑफ फैसिनेटिंग आ स्पेस इज यूनिवर्स इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहां पे खत्म करते हैं मैं दोबारा ताकीद करूंगा कि लास्ट टॉपिक को एक दफा जरूर पढ़ लीजिएगा गो ओवर दैट एंड आफ्टर लिस्टिंग टू बोथ ऑफ माई लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर दोबारा किताब से पढ़ें और फिर क्वेश्चन एंड आंसर को हल करें दैट विल हेल्प यू टू सिक्योर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स दिस इज वेरी इजी चैप्टर एंड आई होप कि आपने इस चैप्टर को इंजॉय किया होगा मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज